नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नरसिंहपुर जिले से, जहां पर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया है। साथ ही किसानों ने अपना खून भी बहाया है। कलेक्ट्रेट भवन के सामने की ये घटना है और गन्ने के वाजिब दाम ना मिलने से किसानों ने इस तरह का कदम उठाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नरसिंहपुर जिले से, जहाँ पर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर कलेक्ट्रेट के सामने अपना खून बहाया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता राम कुमार पटेल से। क्या कुछ मामला है राम कुमार जी? जी, मैं आपको बता दूंगा सर, किसानों का जो है माहौल बना हुआ था गन्ने को लेकर, किसान से नाराज है। जैसा कि अपन देख रहे हैं, करीब एक हफ्ते से मिल मालिक और शासन प्रशासन की तरफ से काम है जिससे ना बन पाए, 270 से निर्देश मिले, अभी चालू भी हो गए हैं कुछ मिले, जिसके चलते किसान हमें भारी आक्रोश है। आज किसानों के द्वारा एक बॉटल खून अपने हाथों से निकाल कर कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट के सामने बहाया गया और दीवार पर भी लिख के शासन प्रशासन को चेतावनी दी। अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे जो है वाजिब दामों से रेट गन्ने को नहीं खरीदा जाता, जैसा कि उनकी मांग है 300 से ऊपर अगर गन्ने का दाम नहीं किया जाता, तो किसान आगामी से बहुत बड़ा ऐसा उन्होंने खून बहाकर विरोध प्रदर्शन किया और कम से कम एक घंटे डेढ़ घंटे कलेक्ट्रेट रहे प्रशासन के लिए नारेबाजी की। जी बिल्कुल राम कुमार जी, जिस तरह से किसानों ने अपना खून बहाया है, क्या आपको लगता है कि वहाँ अब से भी वहाँ की मौजूदा सरकार व प्रशासन इनकी मांगों को पूरा करेगी? जी, इस विषय में जैसा कि आज किसानों ने जो खून बहाकर प्रदर्शन किया है, शासन प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। अगर शासन प्रशासन उनकी मांगे जो है जल्द से जल्द पूरी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं किसानों का विरोध और बढ़ता जाएगा। आज उन्होंने जो चेतावनी दी, आज एक बॉटल खून रहा है, तो कम से कम आगामी दिनों में किसान और बड़ा भी कदम उठा सकते हैं और इसके लिए शासन को उन्होंने जिम्मेदार ठहराने की बात कही। अगर जल्द से जल्द जो है उनके किसानों के गन्ने के दाम सही रेट से नहीं खरीदे जाते गन्ने, और मिल मालिकों को जो चलो जो एक तरह से कहा जाए जो चूक हो रही है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई भी ऐसी आगामी योजना किसानों की तरफ से जो है चल रही है सर, और जैसा भी होता है तो आगे किसानों ने रणनीति बना ली है, आगामी बहुत ज्यादा प्रदर्शन होगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राम कुमार जी। इस तरह की अभी आपने सुना, किसानों का गन्ने का लेकर आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ की मौजूदा प्रशासन और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, जिसको लेकर के जिससे उब करके आज किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपना खून बहाया है।